नमस्कार, आप देख रहे हैं गो न्यूज़ इंडिया। मैं हूं पंकज पचौरी और आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हिंदुस्तान में एक 77 के बाद में, जो 77 की में स्पिरिट ऑफ 77 कहा जाता था, आज देश में स्पिरिट ऑफ -7.7 है। जी हां, सरकार ने अभी हाल में आंकड़े जारी किए हैं और उन आंकड़ों में कहा गया है कि जो गुजरा हुआ साल है 2021, उसमें देश की जो GDP की विकास की जो रफ्तार है वो माइनस यानी नेगेटिव रहेगी, नकारात्मक रहेगी 7.7। जी हाँ, इसके क्या मायने हैं और इसके क्या हाल आने वाले दिनों में ये हमारे मुल्क का कर सकती है, इसके बारे में हम बात करेंगे आज। चूंकि यही साल है जब इसी महीने में अब गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा और इस समय हालात ये हैं कि हजारों लाखों की संख्या में किसान जो हैं वो दिल्ली के चारों ओर डेरा डाले हुए हैं। और साथ ही खबर ये आ रही है कि इस समय जो मुल्क में बेरोजगारी की दर है वो बहुत ज़्यादा है। साथ ही कोरोना केस हैं, अभी भी ये तय नहीं हुआ है कि वैक्सीन कब और कैसे किसको दी जाएगी, और उससे भी अभी जो पूरी तरह से निजात जो है हिंदुस्तान को नहीं मिली है। तो क्या है ये स्पिरिट ऑफ -7.7, इसे हम आपको बताते हैं। इसका मतलब यह है कि हिंदुस्तान में पहली बार जब से 1952 में आंकड़े रखना शुरू हुए थे तब से अब तक पहली बार ऐसा हुआ है कि एक पूरे साल में हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो इतनी बुरी तरह से सिकुड़ गई है। आप देख सकते हैं इन आंकड़ों में कि किस तरह से 1952 से लेकर अब तक अगर आप देखें तो 50 के दशक में सिर्फ एक बार निगेटिव ग्रोथ हुई थी, उसके बाद में 60 के दशक में निगेटिव ग्रोथ हुई क्योंकि हिंदुस्तान का के दो बड़े युद्ध हुए थे, एक चीन से हुआ था एक पाकिस्तान से हुआ था, उसका भारी असर पड़ा था। उसके बाद में देखें तो जो हम 77 की बात कर रहे हैं उसकी बात है, 75-77 और इमरजेंसी देश में लगी थी, उस समय जो है बहुत भयंकर हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति थी। और उसके बाद से लेकर के अब तक अगर आप देखें तो आपकी समझ में ये आएगा कि देश की अर्थव्यवस्था में इतनी ज़्यादा खराबी कभी नहीं हुई है। ये जो अब दूसरा बार देख रहे हैं ये 1989 का है, और 1989-90 के बाद में जब सरकार ने तमाम तरह के रिफॉर्म्स किए थे और देश में सिर्फ 15 दिन के आयात के लिए पैसा जो बचा था, और उसके बाद में सारे जो रिफॉर्म्स हुए थे, सारे जो आर्थिक सुधारीकरण हुए थे 1991 की बजट में, वो इसमें दिखाई दिए हैं। तो ये जो महीना है ये इसलिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी महीने में बजट पेश किया जाएगा, बजट पेश करने की तैयारी शुरू हो गई है। कैसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इससे पार पाएंगी और क्या उनके पास इतने पैसे होंगे कि वो इस दौर में जब देश के तमाम लोगों को मदद की ज़रूरत है कैसे वो अपना बजट बनाएंगी। छोटी सी बात आपको शुरुआत में हम आपको बता देते हैं कि जो फूड सिक्योरिटी एक्ट हिंदुस्तान का है वो साफ साफ कहता है कि 81 करोड़ लोग हिंदुस्तान में ऐसे हैं जिनको सरकार जो है उसको खाना देना चाहिए, खाद्यान्न देना चाहिए, और उस खाद्यान्न की वजह से जो उस खाद्यान्न को उगाते हैं जो किसान हैं, कम से कम 3-4 जो शहर राज्यों के बड़े किसान हैं वो इस समय दिल्ली में हैं, और क्या हालात होंगे इसका हमें नहीं मालूम है। लेकिन दूसरा ये आप देख सकते हैं कि क्या ये हालात सिर्फ कोविड की वजह से हुए हैं, क्या ये हालात सिर्फ महामारी की वजह से हुए हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी है। और ये आंकड़े जो इस हफ्ते जारी किए गए हैं इनसे ये साफ लगता है कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की बदहाली 2019-20 में शुरू हो गई थी और 2020-21 में महामारी की वजह से इसमें और भयंकर गिरावट देखी जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि ये वो सेक्टर हैं 10 जो कि 2019-20 में पहले से ही नेगेटिव में यानी नकारात्मक चले गए थे। कोयले का उत्पादन नकारात्मक था 5.4%, जो कि अब भी घटकर 2.6% है। क्रूड ऑयल यानी कि पेट्रोलियम पदार्थ, उसका भी जो उत्पादन था वो -5.9 था जो अब -6 है। इसके बाद में आप देखिए कि जो बाकी जो हल्के हैं हमारी अर्थव्यवस्था के उनके क्या हालात हैं। सेल्स ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल्स यानी कि जो गाड़ियां होती हैं कॉमर्शियल व्हीकल, ट्रक होते हैं छोटे बड़े, उनमें
पिछले साल में 22.9% की गिरावट आई थी, जो अब बढ़ करके 56% पहुंच गई है। लोगों की जो गाड़ियां होती हैं, कारें होती हैं, उसमें पिछले साल में 16% की गिरावट आई थी, जो अब 24% हो गई है। हमारे एयरपोर्ट्स पर, हवाई अड्डों पर जो कार्गो यानी कि जो माल ढोया जाता है, उसमें पिछले साल 7.9% की गिरावट थी, जो बढ़कर अब 33% हो गई है। रेल पैसेंजर पर किलोमीटर, कितने लोग जो सफ़र करते हैं रेलों में, जिसे हिंदुस्तान का दिल कहा जाता है, जो हिंदुस्तान को जोड़ती है, उन रेलों में अगर आप देखें तो पिछले साल ही 2% की कमी आई थी जो यात्री थे रेल के उसमें, लेकिन अब वो बढ़ करके 98% से ज़्यादा, 98.8% हो गई है। आगे बढ़ते हैं तो अर्थव्यवस्था में एक्सपोर्ट्स यानी कि जो निर्यात हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं, और खासकर हिंदुस्तान में जो सर्विसेज हैं उनके एक्सपोर्ट, सेवाओं का एक्सपोर्ट, जो उसकी आईटी इंडस्ट्री वगैरह है, उसका बहुत ज़्यादा होता है, जो पिछले साल में 1.1 था सिर्फ, जिसमें विकास की दर वो अब घटकर 7.7 हो गई है। साथ ही इम्पोर्ट्स जो आयात किए जाते हैं बाहर से, लोगों की जो कामकाज की चीज़ें हैं या सर्विसेज हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, उसमें पिछले साल में 4.1 की गिरावट आई थी, जो अब बढ़कर 20.5 की हो गई है। माइनिंग खनन में देखिए तो पिछले साल भी नेगेटिव था और बढ़कर 13.3% हो गई है। मैन्युफैक्चरिंग यानी कि उद्योग जो हैं उनके ऊपर सबसे बड़ी मार पड़ी है, और वो पिछले साल में ही नेगेटिव नकारात्मक में था, और इस साल में वो 19.7% नीचे है। तो अब कुल जमा में इस सब का असर ये सरकार कह रही है, ये एडवांस एस्टिमेट्स हैं मौसपी के, जो ज़्यादातर ठीक ही होते हैं, 1-2% ऊपर नीचे जा सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा असर इस पर नहीं पड़ने वाला है। तो 7.7 यानी सरकार ने खुद बोला है कि 7.7% नकारात्मक जो है गिरावट देखी जा रही है अर्थव्यवस्था में। पहले डर इस बात का था कि ये 10% से ज़्यादा हो सकती है। अभी भी कई जो बैंक हैं या IMF जैसी संस्थाएं हैं, IMF अभी भी कह रहा है कि हिंदुस्तान में जो गिरावट है वो 10.3% के आसपास रहेगी इस साल में, लेकिन क्योंकि वहाँ पर जो साल है वो कैलेंडर ईयर होता है जनवरी से दिसंबर तक का, लेकिन हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो मार्च से अप्रैल तक का होता है, इसलिए उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आपको दिखाई दे सकता है। लेकिन मोटा मोटी अगर आप देखें तो आपकी समझ में आ जाएगा कि पहली बार हिंदुस्तान में 1992 के बाद से अब तक जो देश में प्रगति की रफ्तार है वो नकारात्मक है, और सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड लेवल पर नकारात्मक है, और इसके नतीजे अब धीरे धीरे सामने आने लगेंगे। सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है इस बात पर, ये दिखाने के लिए कि उसने जो कदम उठाए हैं पिछले दिनों में, 20,00,000 करोड़ का उन्होंने स्टिमुलस पैकेज दिया, उसके क्या हालात हैं, उसकी वजह से जो है इकोनॉमी को रफ्तार मिलेगी, ऐसा नहीं हो पाया है। और उसका कारण ये है कि सरकार एक तरफ कह रही है कि उसने 20,00,000 करोड़ का स्टिमुलस पैकेज दिया है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम सरकार के आंकड़ों को ही उठा के देखते हैं तो हम पाते हैं कि जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है जो कि 14% के आसपास हुआ करता था वो घट गया है, और वो घट के 10% से भी नीचे अब रह गया है पूरा जो खर्चा सरकार का होता है उसमें। यानी कि सरकार यहाँ पर भी डंडी मार रही है और ये कह रही है कि हम आपको स्टिमुलस पैकेज दे रहे हैं, लेकिन वो लोगों तक नहीं पहुँच रहा है, और उसका सीधा सीधा असर जो है वो आपको अगले ग्राफ में दिखाई देगा, और ये असर है देश में बेरोजगारी पर। आप देख सकते हैं कि देश में जो बेरोज़गारी थी 2016 में वो 10% के आसपास, आप देख सकते हैं कि इसकी रफ्तार थी, और ये 10% जो बेरोज़गारी आप देख रहे हैं ये अर्बन एरियाज़ में थी यानी कि शहरी उसमें। उसके बाद में जनवरी 20 आप देखिए, उसके बाद में एकदम से जब लॉकडाउन हुआ तो इसमें बहुत तेज़ी आई और ये 25% के आसपास पहुँच गई, तो कुल जमा में 23% के आसपास थी, 25% से ज़्यादा जो अर्बन बेरोज़गारी थी वो थी। उसके बाद में इसमें कमी आई क्योंकि लॉकडाउन ख़त्म हो गया, लेकिन अभी भी आप इसे देख सकते हैं साथ साथ कि ये 10% के आसपास जो है वो शहरी इलाकों में है, और उससे थोड़ा कम ग्रामीण इलाकों में है, जो कि नीले रंग की लाइन आपको दिखाई दे रही है। और कुल अगर देखें तो इसमें 90,00,000 लोग इस हफ्ते जो हैं वो, उनको रोज़गार नहीं था। 90,00,000 लोगों का मतलब साफ साफ हुआ कि 90,00,000 जो घर हैं देश में, 1 करोड़ के आसपास, 90.1, उनके पास में रोज़गार जो है वो नहीं था। तो ये जो है स्पिरिट ऑफ -7.7
साफ इस समय दिखाई दे रही है और आने वाले दिनों में देखना यह है कि सरकार जब इस साल का बजट पेश करती है तो उस बजट में ऐसे क्या प्रावधान होते हैं जिससे कि ये अर्थव्यवस्था थोड़ी सी उठे। और जो एनिमल स्पिरिट्स की हम बात करते हैं, एनिमल स्पिरिट्स से मतलब ये है कि आप लोगों को इतना भरोसा दिला दें, लोगों को इतना मदद कर दें कि वो अपने आप खुद काम करें जिससे कि जो अर्थव्यवस्था है एक बार फिर रफ्तार पकड़े, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये है स्पिरिट ऑफ 7-7.7। एक बार फिर से हम बताते हैं सारे आंकड़े आपको एक एक करके कि किस तरह से 1952 से लेकर के अब तक सबसे ज़्यादा कमी देश की जीडीपी ग्रोथ में दिखाई दी है, 7.7%। और उससे पहले आप देखें अगर नेगेटिव में तो 1989-1989 में ऐसे हालात थे जब 5-5.5% के आसपास नेगेटिव ग्रोथ हुई थी और उसके बाद में सरकार को बहुत ही भारी कदम उठाने पड़े थे अपने बाज़ार को खोलने के लिए और विदेशी निवेश को देश में लाने के लिए। तो ये हालात हैं, नॉकआउट ब्लो टू इंडियन इकोनॉमी साफ साफ। और इसके बाद में अगर हम देखें तो अभी भी हालात जो है वो सुधरे नहीं हैं और ये हम पूरा का पूरा ये बदहाली है ये हम कोविड महामारी के मत्थे नहीं मर सकते, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये 10 ऐसे सेक्टर हैं जिनमें से पहले ही नकारात्मक गतिविधि दिखाई दे रही थी, यानी कि जो अर्थव्यवस्था है वो पहले से ही 2019 और 20 में ही काफ़ी धराशायी हो चुकी थी और अब उसमें और ज़्यादा तेज़ी के साथ गिरावट दिखाई दे रही है और इसका असर साफ साफ देश में जो बेरोजगारों के हालात हैं उसके ऊपर दिखाई दे रहा है। बेरोजगारी आंकड़ा आप देख सकते हैं कि ये CMI सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी उनके आंकड़े हैं और इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह से लॉकडाउन के दौरान जो बेरोजगारी की दर है वो बहुत ऊपर गई और उसके बाद में इसमें थोड़ी सी अब इसमें गिरावट आई है। ये पहले के 2019 के स्तर तक पहुंची, लेकिन फिर से इसमें अब आप देख सकते हैं कि तेज़ी दिखाई दे रही है, बढ़ोतरी दिखाई दे रही है देश में जो बेरोज़गार हैं वो। तो ये महीना देश के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। 3-4 चीज़ें हैं, एक तो ये कि किसान आंदोलन है वो जारी है, 8 बार की बातचीत हो चुकी है, कोई हल नहीं निकला है। 8 बार की बातचीत के बाद भी किसान इस बात पर अड़े हुए हैं कि जो तीनों कानून नए बनाए गए हैं कृषि क्षेत्र के लिए उन तीनों को वापस लिया जाए और साथ ही MSP मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस है खाद्यान्न का, अनाज का, वो उसके लिए सरकार एक कानून लेकर के आए। और ये दोनों ही बात हम आपको कई बार बता चुके हैं कि सरकार जो है मानने के लिए तैयार रही हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इसी महीने देश में गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा और अभी तक ये नहीं मालूम है कि उसमें मुख्य अतिथि कौन होंगे। तीसरी बड़ी बात यह है कि देश में जो बजट है वो इस महीने के अंत में पेश किया जाएगा और देखना यह है कि उस बजट में क्या क्या ऐसे प्रावधान होते हैं जिससे कि लोगों को कुछ राहत मिले। लेकिन अभी तक ऐसे कोई इम्कान नहीं है कि सरकार का अर्थव्यवस्था के ऊपर कोई नियंत्रण है और बेलगाम एक तरह से अर्थव्यवस्था जो है वो नीचे की ओर जा रही है। आंकड़ों से हमने बताया और ये सरकार के आंकड़े हैं और इन आंकड़ों में साफ है कि देश में अर्थव्यवस्था की स्थिति जो है वो बहुत ख़राब है। हम लगातार इस पर नज़र रखेंगे, आपको लगातार बताते रहेंगे, जैसे जैसे नए आंकड़े आएंगे विशेषज्ञों से बात करेंगे। तो गो न्यूज़ इंडिया पर, हमारे वेबसाइट पर goNewsIndia.com पर, हमारे ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, सब जगह आपको ये जानकारी हम इस तरह के छोटे छोटे ग्राफिक से देते रहेंगे ताकि आप इसे अपने साथियों के साथ में बांट सकें। फिलहाल आज इतना ही, नमस्कार।